हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू योर मैथ्स क्लास. आई आंचल सिंह वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन टू योर मैथ्स क्लास. सो क्लास, इन आवर प्रीवियस सेशन वी वर डूइंग एक्सरसाइज 4.2 इन विच वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 वॉज रिलेटेड टू डीकम्पोजिंग इन सब्ट्रैक्शन. ओके, सो डीकम्पोजिंग आई हैव ऑलरेडी गिवन यू the introduction about the decomposing in my previous two videos. Okay, and we have already done some of the practice sums for the decomposing. Now we are left with only one sum, okay, sorry, only one part of question number 1, that is the last one, that is the E part. Okay, so this sum is also related to the decomposing. Okay, in the E parts, it's given 3000 1500s from 1000. So that means we need to subtract 3000 1500s from 12000. Okay, so this is the last part that we need to do. Okay, so first of all I'll just write on the topic, that is exercise 4.2, and now we are left with only the last part, that is the E part. Okay, so now in the E part we need to do the decomposing. Decomposing means subtraction of the place values. So you need to convert, you need to decompose the given place values so that you can do the further subtraction. तो आपको जो place values दी हैं अलग अलग digits के साथ, उनको decompose करना है into its into the smaller place value. तो देखिए, we can never decompose a bigger place value into a स्मॉलर प्लेस वैल्यू इनटू अ बिगर वन. आप कभी भी छोटी प्लेस वैल्यू को बड़ी प्लेस वैल्यू में डीकम्पोज नहीं कर सकते. ओके, बट यू कैन डीकम्पोज अ बिगर प्लेस वैल्यू इनटू द स्मॉलर वन. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद दैट लास्ट वन. सब्ट्रैक्ट 3500 फ्रॉम 12000. सो दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज सब्ट्रैक्ट 3000s 1500s from 12000s. Okay, so we need to subtract 3000 1500 फ्रॉम 12000. देखिए, डी सब्ट्रैक्ट हमें 1000 और 100 को करना है, बट हमारे पास जो मिनुएंट दिया है दैट इज ओनली 12000. सो दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट दिस मिनुएंट. मिनुएंट याद है हमने जो लास्ट चैप्टर, जो लास्ट एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आपको बताया था, मिनुएंट इज अ नंबर विच इज यूज टू सब्ट्रैक्ट द अदर नंबर. ओके, मिनुएंट वो नंबर होता है जिससे कि हम दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो हियर द मिनुएंड इज 12000, वेयर एज द सब्ट्राहेंड इज 3000 and 1500. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डीकम्पोज दिस 12000. जो हमारे पास ये 12000 है, इसको हमें डीकम्पोज करना होगा सो दैट वी कैन कन्वर्ट और वी कैन चेंज इट इनटू, सॉरी, 12000 को डीकम्पोज करना होगा सो दैट वी कैन गेट 1000 and 100 बोथ. ओके, सो वी नीड टू डीकम्पोज. सो जस्ट थिंक दैट हाउ यू कैन डीकम्पोज. ओके, देखिए, इससे पहले हमने जितनी भी डीकम्पोजिंग की थी उसमें हम एक एक नंबर को डीकम्पोज कर रहे थे. वी वर टेकिंग वन आउट ऑफ द लार्जर प्लेस वैल्यू. अब देखिए, यहां पे अगर हम जस्ट, आई एम जस्ट गिवन एग्जाम्पल, सपोज यू आर डीकम्पोजिंग 12000. ओके, एंड आफ्टर डीकम्पोजिंग वी मेड इट 11000 हो गया. सो वी हमने इसमें से 1000 निकाल लिया एंड दैट 1000 विल बिकम 10 tens. जैसे कि मैंने आपको याद होगा, आपको करवाया था बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 4.2, आई टोल्ड यू टू नोट डाउन इन योर नोटबुक्स दिस वन. ओके, 1000 इज इक्वल टू 10 hundreds. ओके, सॉरी, 1000 इज इक्वल टू 10 hundreds, नॉट 10 hundreds. ओके, बट देखिए, अगर हम इसको इस तरह से डीकम्पोज करेंगे, 11000
एंड 10 hundreds में, बट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 3000, तो देखिए 3000 11000 से 3000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो कैन यू सब्ट्रैक्ट 15000 फ्रॉम 10000? नो. सो दैट मीन्स देखो अगर हमने इसको डीकम्पोज किया 11000 में से 3000 तो यू कैन इजिली सब्ट्रैक्ट. सो वी कान सब्ट्रैक्ट 1500 फ्रॉम 1000. हम 1500 में से 1000 में से 1500 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. आई एम जस्ट ओके देखिए ये आएगा ना, दैट आफ्टर डीकम्पोजिंग दैट विल बी 11000 1000 माइनस 3000 1500. ओके सो देयर सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, बट क्या इसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? सो इज इट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 10? नो. सो इन दिस केस बेटा द एक्सेप्शन इज हियर दैट व्हेन वी आर गोइंग टू डू द डीकम्पोजिंग. अब इस केस में जब हम डीकम्पोजिंग करेंगे तो इंस्पाइट ऑफ टेकिंग ओनली वन आउट ऑफ दिस, इसमें से 1000 बाहर निकाल के उसको 1000 बनाने के बजाय हम इसमें से 2000 निकाल लेंगे. ओके सो इंस्पाइट ऑफ टेकिंग 1000 आउट ऑफ इट वी विल टेक आउट 2000. 1000 निकाल के डीकम्पोज करने के बजाय हम उसमें से 2000 निकाल लेंगे. दैट मीन्स ओके तो अब इसको 2000 निकालेंगे इसमें से 12000 में से. ओके 12000 इज इक्वल टू 10000. ओके 10000 अभी 2000 हमारे पास अलग से है, ठीक है. 12000 में से हमने 2000 निकाल लिया, सो दैट बिकेम 2000. दैट बिकेम 2000. ये क्या बन गया 2000. नाउ वी आर हैविंग 10000 एंड 2000. सो कैन वी सब्ट्रैक्ट 3000 1500 फ्रॉम 10000 2000? Yes, we can easily subtract it. So let's write down 10000 2000 10000 minus 3000 and 1500. Okay, so after decomposing we got this. Okay, so now we are going to write the answer after the subtraction. So 100 minus 100, so answer will also be the hundreds only. Okay, never write it as a hundred, it will be hundreds because here we are talking about the place value. So 20 minus 15, 5. 20 minus 15 is 5. And this is 1000. They both are thousands. Thousands. Okay. 10 minus 3, 7. So after subtraction, we got 7500. So after subtraction, we got the answer. That is 7500. So this is the answer that we got after the subtraction. Okay, so first of all we need to decompose the given number, that is 12000. पहले हमें 12000 को decompose करके उसको 10000 and 2000 बनाना पड़ा. Okay. And then we can do, only then we can do the subtraction. Okay, so this is the solution of the last part of question number 1, the E part. Okay, you can pause it here and note it down in your notebooks. Okay, now we'll move to the next question, that is question number 2. From the same exercise 4.2, next question is question number 2. Okay, so let's read out what is given here. So in question number 2 there is a common heading for critical chapter,
they have given the common heading from question number 1 to 18. Okay, so there is a common heading, that is subtract. So that means after these 5 different parts of question number 1, we need to do, we will continue with the subtraction from question number 2 as well. Okay, so what's given here, and from question number 2 to 18 you can do in your notebooks only, sorry, in your books. Okay, so let's begin with the second one. The second one is 8763 minus 1420. This is 8763 minus 1420. So let's subtract it. 3 minus 0, 3. 6 minus 2, that will be 4. 7 minus 4, that will be 3. And 8 minus 1 is 7. So the answer is 7343. Answer is 7343. This is the simple subtraction that we were doing. Okay, moving next to the question number 3. So the question number 3 is, the third one is 9758 minus 4302. So 9758 minus 4302. So let's subtract it. 8 minus 2, 6. 5 minus 0 is 5. 7 minus 3, 4. And 9 minus 4 is 5. So after subtraction we got the answer, that is 5456. 5456. Okay, so this is the solution of the second and the third one. Okay, so from question 2 to 18, these questions, they are the mixture of different questions like with borrow and without borrow. So 2 se leke 18 tak beta jo questions diye hue hain. Okay, so some sums are with borrow, subtraction with borrow, and some sums are related to subtraction without borrowing. Also, so with borrowing and without borrowing, both questions are given here, and we need to find out, we need to calculate whatever the question is given according to the method that will be used in that particular question. Okay, so this is the second and the third one. Now we'll move to the fourth one. Okay, I think the fourth one is the related to subtraction with borrowing. Okay, so now moving to the fourth one. The fourth is 6282 minus 4134. Okay, so let's see here. So 2 minus 4. So is it possible to subtract 4 from 2? No. So in that case, what will we do? We are going to borrow another number from the previous number that is written just behind 2. Okay. So 2 will borrow 1 from 8. Okay. So 2 will borrow 1 from 8, and after lending 1 to 2, it will become 7. Okay. And this will become 12. Not 3. It will not, the 1 will not be added. It will be written in the in front of 2. So 2 will become 12. And 8 will become 7. Because it has already lended one of its number to the 2. And now the 2 has become 12. And 8 has become 7. Okay. So 12 minus 4, now you can easily subtract 4 from 12, yes. So 12 minus 4 is 8. 12 minus 4 is 8. Next, 7 minus 3.
Can you subtract 3 from 7? Yes, very easily. Okay, so 7 minus 3 is 4. Next, 2 minus 1 is 1 and 6 minus 4 is 2. So the answer is 2148. 2148. So this is the subtraction with borrowing. This is the subtraction with borrowing. तो देखिए इसमें इसने borrow किया and इसने lend किया. तो इसमें हमें lending नहीं देखनी है. We need to see the borrowing only. Clear? चलिए. Moving next to the fifth one. Now I'll move to the fifth question here. The fifth is 8763 minus 6589. Okay. 8763 minus 6589. Okay, so now we need to subtract 6589 from 8763. So let's subtract it. 3 minus 9. So is it possible to subtract 9 from 3? तो क्या हम 9 में से 3 को माइनस कर सकते हैं? सॉरी, 3 में से 9 को माइनस कर सकते हैं? नो. सो दैट मीन्स जो 3 है इसको बोरो करना होगा साथ वाले नंबर से. ओके, सो दैट इट कैन सब्ट्रैक्ट 9. सो 3 इज गोइंग टू बोरो. 3 सारे नंबर से बोरो करेगा. बोरो मतलब उधार लेना. सो नाउ 3 विल बोरो फ्रॉम 6. सो 6 जब इसको 1 दे देगा तो इट विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 13. देखिए जो 1 देता है, लेंड करता है, जो देते हैं ये बोरो करते हैं, वो कभी भी इसमें ऐड नहीं होता, वो उसके फ्रंट में लिखते हैं. ये चीज याद रखिएगा. ओके, सो आफ्टर बोरिंग लेंडिंग इट 1 टू दिस इट विल बिकम 5 एंड इट विल बिकम 13. नाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 13? Yes, we can easily subtract 9 from 13. Okay, 13 minus 9, 4. Okay, so can we subtract 8 from 5? क्या हम 8 को 5 से subtract कर सकते हैं? No. So that means इसको भी 5 को भी इसको subtract करने के लिए इससे borrow करना पड़ेगा. So 5 will borrow from this. इससे borrow करेगा, so it will become 6. जब ये इसको दे देगा 1, तो ये 1 आगे जाके यहाँ पे क्या बना देगा? 15. Okay. Now 15 minus 8, 7. Okay, 6 minus 5. Is it possible? Yes. 6 minus 5 is 1. 8 minus 6 is 2. So, after subtracting, देखिए यहाँ पे 2 steps में, यहाँ पे हमने सिर्फ 1 step में borrow किया था, यहाँ पे 2 steps में borrow किया. ऐसे हो सकता है कि पूरे question में भी borrow हो सकता है. Okay, so this depends कि आप कौन सा question कर रहे हैं. जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार हो, दो बार हो, उसे 3 स्टेप्स पे, 4 स्टेप्स पे, कहीं पे भी बोरोइंग हो सकती है. ओके, सो द आंसर इज 2174. देखिए सिंपल सब्ट्रैक्शन इज इजी, बट बोरो वाली सब्ट्रैक्शन के लिए बेटा थोड़ा ध्यान से किया करिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स द चिल्ड्रन डू इन दिस बोरो सम्स ओनली. ओके, सो यू कैन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ वन. चलिए Now I'll move to the next, that is the sixth one. Now we will move to the sixth one. The sixth is 7561 minus 2845. देखिए 7561 minus 2845. Okay, 2845. So now we need to subtract it. Okay, so चलिए इसको भी subtraction करना है. Subtract 7561 minus 2845. Okay, so let's see here. Starting from the right hand side, 1 minus 5. So can we subtract 5 from 1? क्या हम 5 में से 1 को, सॉरी 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? So can we subtract 5 from 1? No. So that means 1 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. So in that case, 1 is going to borrow from the next number, that is 6.
तो 1 6 से बोरो करेगा तो ये 6 कितना रह जाएगा, इसमें से 1 चला गया, दैट विल बिकम 5 और ये 1 क्या बन जाएगा, दिट विल बिकम 11. ओके, सो 1 विल बोरो फ्रॉम 6 एंड 6 विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 11. नाउ 11 माइनस 5 6, 5 माइनस 4, सो कैन वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, यस 5 माइनस 4 इज 1, 5 माइनस 8, सो कैन वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 5, क्या हम 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो, सो वी कांट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 5, सो दैट मींस इन दिस केस 5 इज गोइंग टू बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट द प्रीवियस नंबर दैट इज 7, तो 5 अब 7 से बोरो करेगा, सो when it will borrow from 7, 7 will become 6 and 5 will become 15. पहले बेटा जिससे बोरो करते हैं पहले उसको काट दिया करो, क्योंकि अक्सर बच्चे करना भूल जाते हैं एंड नेक्स्ट टाइम वो उसी नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करते हैं जिसकी वजह से पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है. तो जिससे आप बोरो करते हैं पहले उसमें से एक कम किया करो, उसके ऊपर चेंज किया करो नंबर एंड देन जिसपे करना है उस पर आया करिए. सो आफ्टर बोरोइंग 1 फ्रॉम 7 इट विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 15. 15 में से 8 माइनस कर सकते हैं, यस. सो नाउ 15 माइनस 8 7, 6 माइनस 2, यस इट इज पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 2. अब वैसे तो ऐसे कभी होगा नहीं कि 6 में से कोई बड़ा नंबर माइनस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो फंक्शन लास्ट पेज नंबर होता है या तो वो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा कभी. ओके, 6 माइनस 2 4, सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 4716. Okay, chalo. Moving next to the question number 7. The question number 7 is 8542 minus 4643. Okay, 8542. 8542 minus 4642. So, अब हमें 8542 में से 4643 सब्ट्रैक्ट करना. ओके, चलिए करते हैं, देखते हैं विद बोरोइंग है या विदाउट बोरोइंग है. सो 2 माइनस 3, सो कैन वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, सॉरी यस कैन वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, क्या हम 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो, सो दैट मीन्स इन दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू बोरो फ्रॉम द प्रीवियस नंबर, 2 इज गोइंग टू बोरो फ्रॉम द प्रीवियस नंबर. सो 2 विल बोरो फ्रॉम 4 एंड 4 जब इसको एक लेंड करेगा, जब इसको उधार देगा तो ये कितना हो जाएगा 3 एंड दिस विल बिकम 12. So now can we subtract 3 from 12? Yes. So 12 minus 3, 9. 12 minus 3 is 9. Okay, next. 3 minus 4. Ab yahan pe 3 rahega. 3 minus 4. So is it possible to subtract 4 from 3? So kya hum 4 ko 3 mein se subtract kar sakte hain? No. तो दैट मीन्स अब ये भी अकेला रह गया, तो इट विल बोरो फ्रॉम, कम है तो इट विल अगेन बोरो फ्रॉम इट्स प्रीवियस नंबर, 3 अब अपने प्रीवियस नंबर से बोरो करेगा, सो 5 आफ्टर लैंडिंग 1 2 3 इट विल बिकम 4, जब 5 अपना ए 1 नंबर उसको दे देगा तो ये 4 बन जाएगा एंड इट विल बिकम 13. ओके, नाउ वी कैन इजली सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 13, यस 13 माइनस 4 9. ओके, नेक्स्ट 4 माइनस 6, सो कैन वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6, सॉरी 6 फ्रॉम 4, नो, सो देखिए अब 4 में से हम 6 माइनस नहीं कर सकते, सो 4 विल ऑल्सो बोरो फ्रॉम इट्स प्रीवियस नंबर दैट इज 8, सो जब 8 इसको 1 लैंड करेगा इट विल बिकम 7 एंड दिस विल बिकम 14, सो 14 माइनस 6 8, 14 minus 6 is 8, 7 minus 4, okay, now we are having only 7 here, so 7 minus 4 is 3, so the answer of the 7th one is
3899. Okay, so this is how you are going to solve all the sums of subtraction with borrowing. जो कि borrowing वाले sum आप उसको ऐसे solve करेंगे. Clear? चलिए. Now the question up to question number 7 I have already discussed here. So next question number 8, 9 and 10. ये तीनों question बेटा आप अपने आप करिए. ठीक है, और इजिली आप कर लेंगे अगर आपको बोरोइंग इजिली समझ में आ गई है. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. ओके, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, बट वो थोड़े से, ये अभी तक हमने 4 डिजिट सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, नाउ वी विल डू 5 डिजिट सब्ट्रैक्शन. ओके, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. ओके, और आपको ये सारे सम बेटा यू कैन डू इन द बुक, बुक में ही कर लीजिए, बिकॉज आगे फर्दर हमारे पास और क्वेश्चन आएंगे जो आपको नोटबुक में करने होंगे. क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज 56,812 माइनस 27,848. 56,812 माइनस 27,848. चलिए करते हैं. 56,812 माइनस 27,848. ओके, सो नाउ वी नीड टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर. ओके, सो नाउ वी आर बिगनिंग विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर. देखिए, 2 माइनस 8, सो 2 कैन यू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 2? No. So, 2 will borrow from its previous number. 2 अपने previous number से borrow करेगा. So, the 1 इसको एक lend दे देगा, और जब इसको दे देगा एक उधार, so it will become 0. 1 के पास एक ही था, वो भी उसने 2 को दे दिया, तो ये 0 रह गया and it will become 12. Okay? So, now we can subtract 8 from 12. Yes. 12 minus 8, 4. Next, 0 is here. Can we subtract 4 from 0? No. So now the 0 is going to borrow from its own previous number. So 0 next number se, previous number se borrow karega, that is 8. So jab 8 is ko 1 borrow karvayega, so it will become 7. Jab isse koi lend karega, it will become 7 and it will become 10. And this will become 10. 0 tha, uske aage 1 lag gaya, kitna ho gaya? 10. So 10 minus 4, 6. Next, 7 minus 8. So, can we subtract 7 from 8? Sorry, 8 from 7? No. So, again 7 is going to borrow from its own previous number. So, ye se borrow karega, 6 is 6 ke ban jayega 5 and it will become 17. It will become 17. So, 17 minus 8, that will be 9. 17 se jab humne 8 minus kiya, kitna aya? 9. Next, 5 minus 7. So, can you subtract 7 from 5? Kya aap 7 ko subtract kar sakte ho 5 se? No. So, that means in this case as well, 5 needs to borrow from its previous number, that is 5 only. So, 5 bhi apne previous number se borrow karega, that is 5. Okay? So, when 5 will borrow from 5, it will become 4. Ye kitna ho gaya? 4. And this 5 will become 15. ये क्या बन गया? 15. ओके, 15 माइनस 7, दैट इज 8. 15 माइनस 7 इज 8. 4 माइनस 2, सो 4 इज लेफ्ट, 4 माइनस 2 इज 2. सो द आंसर इज 28,964. आंसर इज 28,964. This is the solution of the 11th one. Okay, देखिए अब ये 5 digit number में, देखिए इसमें हमने हर step in this, we have done the borrowing in each and every step. ऐसे ही बेटा जो बाकी questions हैं from 2 to 18, they all are same like this and you should try to do by yourself. ठीक है, हर एक question आपको अपने आप करने हैं, अपनी बुक में ही करने हैं, बिकॉज फर्दर वी आर हैविंग सम मोर क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू इन दी नोटबुक्स.
Okay, so the homework is that you need to do question number 4 to 18 in your book. ये सारे question चाहे वो 4 digit हो 5 digit हो you need to do in your book. Okay, so this was from my today's session class. So with this I'm just ending the today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody, have a great day.